अगर किसी को पोइट्री पढ़ना स्टार्ट करना है, बिकॉज आप बहुत अच्छा लिखते हैं और आपने बहुत अच्छे पोइट्स के बारे में पढ़ा भी है, सो इफ देयर इज एनी इन पॉइंट टू अप्रिशिएटिंग हिंदी पोइट्री, आप क्या रिकमेंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ व्हाट पोइट्स शुड वन रीड अगर उसे स्टार्ट करना है पोइट्री पढ़ना? आई थिंक जब जब हम पहले वाले ज़माने में रहते थे, जब मोबाइल फ़ोन नहीं थे और इंटरनेट यस नहीं था और हम गांव में रहते थे और हमको चंद किताबें हमारे हाथ लगती थी और जो लगती थी हम उसी को ग्रेट मानते थे, बिकॉज हमारे पास ऑप्शन नहीं था कि बुक्स और पोएट्स या कहीं कहीं से नाम हम हमारे कानों में पढ़ते थे, लेकिन हमको पता नहीं कि चेखव कौन है या ब्रेख्त कौन है या ये लोग कहाँ से मिल सकते हैं। अब वो ज़माना रहा नहीं, तो मुझे लगता है कि पहले तो पोइट्री पढ़ना और सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी इच्छा है आप डिस्कवर करें, और सब चीज़ आपके फोन पे, तो डिस्कवर करें और आपको जो अच्छा लगे वो करें। देर इज नो इन पॉइंट एंड देर इज नो आउट पॉइंट। इफ यू लाइक इट डू इट, इफ यू डोंट लाइक इट प्लीज डोंट टच इट, डू समथिंग एल्स। माय पॉइंट इज इट हैज टू कम विद इन यू एंड योर सर्च टू गो एंड मेक श्योर दैट यू एंटरटेन योर सेल्फ विद बेटर स्टाफ। वो जैसे कई लोगों के बीच में कोई लड़का निकलता है, कोई लड़की निकलती है जो अचानक ही कुछ अलग पढ़ने लगती है, एंड उसके चेहरे पे स्माइल, उसकी आंखें बदल चुकी होती हैं, बिकॉज उसका पढ़ना, उसका चीजों को देखना बदल चुका होता है। अब वो सिखाया नहीं जा सकता, उस तक पहुंचा किसी भी तरीके से नहीं पहुंचाया जा सकता। वो एक दिन आप खुद बदलते हैं और आप देखते हैं कि जिस चीज को आप छू रहे हैं वो आपको बदल रही है। तो बदलाव बहुत जरूरी है और वो आपके अंदर से आना चाहिए, वरना वरना ऑफकोर्स अगर आपको कैरम खेलना अच्छा लगता है दिन भर कैरम खेलिए।